शिवसेना नेता संजय राउत ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई से छूट मिलने के बाद राज ठाकरे का भंगा शुरू हो गया है। उन्होंने किरीट सोमैया पर दिए अपने बयान को बिल्कुल भी जायज ठहराया है। राउत ने कहा है कि किरीट सोमैया जैसे व्यक्ति के बारे में गाली गलौज की भाषा बोलकर मैंने कुछ गलत नहीं किया। वही किरीट सोमैया कोर्ट गए थे महाराष्ट्र की दुकानों पर मराठी भाषा का बोर्ड न हो। उन्होंने कहा कि ये किरीट सोमैया मराठी भाषा का हितैषी नहीं है। इसी किरीट सोमैया ने मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की राजनीति रची। मैंने जो भाषा का इस्तेमाल किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ, महाराष्ट्र की जनता समर्थन करती है। ये किरीट सोमैया जिसने INS विक्रांत के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, देश के साथ धोखा किया है, राष्ट्रद्रोह किया है, ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर मेरे मुंह से या महाराष्ट्र के मुंह से जुबान से कोई गलत शब्द निकलता है तो मुझे लगता है जनता हमें ज़रूर माफ़ करेगी, क्योंकि ये इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी निर्लज्जता हमने देखी नहीं। दूसरी बात, ये किरीट सोमैया जो हम आजकल मुंबई महाराष्ट्र से अलग करने की, केंद्र शासित करने की एक चाल, एक प्रेजेंटेशन बना रहा है और दिल्ली में जाकर गृह मंत्रालय को बार बार कन्विंस कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, महाराष्ट्रद्रोही व्यक्ति के खिलाफ अगर मेरे मुँह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल